सर्वप्रथम आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने कहा कि मैं पढ़ करके आती हूँ। मेरे जो सवाल थे उनके उत्तर भी स्पष्ट नहीं आए। महिलाओं को प्राथमिकता भी नहीं देना चाहती सरकार के लिए इसके कोई मायने नहीं है। डबल इंजन की सरकार में महिलाएं कदम कदम पे अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न प्रदेश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सरकार के लिए इसके कोई मायने नहीं है। सरकार महिलाओं को लेकर के बहुत ही असंवेदनशील है और मुझे लगता है कि महिलाओं को प्राथमिकता भी नहीं देना चाहती। अध्यक्ष जी, इस डबल इंजन की सरकार में महिलाएं कदम कदम पे अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आज चाहे वो प्रदेश की महिला हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रहती है या फिर शहरी, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सम्मानजनक रूप से अपने जीवन का यापन कर सके, लेकिन यह सरकार अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं कर रही है कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल श्रम एवं सेवा योजन मंत्री जी से था कि सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी महिलाएं हैं जिनका उत्थान हुआ है। अध्यक्ष जी, प्रदेश की सारी महिलाओं को यह जवाब सुन के आक्रोश भी आएगा और साथ ही साथ खुद पे हंसी भी आएगी कि उन्होंने किन्हें चुन करके यहां पे भेजा है, क्योंकि जवाब यह है। अध्यक्ष जी, मैं जवाब पे आ रही हूं। अध्यक्ष जी, जवाब पे नहीं, सवाल पे। जो जवाब है उसी से सवाल जुड़ा हुआ है। बताइए। और जवाब यह है कि कोई योजनाएं नहीं है महिलाओं के लिए, और विगत 2017 से लेकर के 2023 तक की अगर हम बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 44,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया है। मंत्री जी, अगर आप जो आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ 6,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया है, ये बड़ा ही निराशापूर्ण भी है और शर्मनाक भी है सरकार के लिए अगर यह उत्तर आता है। मैं आपके उत्तरों की तरह गोलमोल ना घुमाते हुए और आपसे भी उम्मीद करती हूं कि स्पष्ट तरीके से जो मैं प्रश्न कर रही हूं उसका उत्तर आए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जो कि आज 22 करोड़ की आबादी में आधी जनसंख्या हमारी है, उसके बावजूद भी इस आंकड़ों के साथ उत्तर आ रहे हैं, मैं आपसे ये जवाब चाहती हूँ कि जिन 44,000 महिलाओं को आपके द्वारा रोजगार दिया गया, क्या आज भी 7 वर्षों में वो इस समय उस रोजगार पे हैं, और अगर हैं तो उनमें से कितनी सरकारी पे हैं और कितनी निजी संस्थानों में कार्यरत हैं, और उनमें से कितनी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, दलित वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं हैं जो उस पर कार्यरत हैं। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि नारी वंदन विधेयक की बात करती है ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, आज महिलाओं को प्राथमिकता ना देने की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आज ये डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रैलियों में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात होती है तो बातों को गोल मोल घुमाया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से ये पूछना चाहूंगी, क्या ये सरकार महिलाओं को निजी एवं सरकारी जो संस्थान है उनमें 33% आरक्षण देने के बारे में विचार करेगी और या नहीं, और अगर करेगी तो ये कब तक करेगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जवाब और भारत की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आज महिला सशक्तिकरण की बात को चरितार्थ कर रही है।
एक बात, जो आपने 44,000 कहा है, ये 44,000 तो जो रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन विभाग जो रोजगार मेले करता है उसके माध्यम से जो सेवायोजित की गई हैं बहनें उनका आंकड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने महिलाओं के उत्थान की बात कही है, तो एक तो हम सरकारी सेवा में उनको रोजगार देकर उनको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, दूसरा स्वरोजगार में उनकी मदद करके हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम उनका उत्थान कर सकते हैं, दूसरा हम जो दूसरे रास्ते हैं, जैसे सरकार आज की तारीख में हम मिशन शक्ति योजना चला रहे हैं, योगी जी की सरकार ने मिशन शक्ति योजना चलाई और इसने एक उदाहरण देश में प्रस्तुत किया और उस योजना का अनुसरण आज देश के अंदर हो रहा है। आपने सरकारी नौकरियों में बात कही, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ गृह विभाग में, सुन लीजिए, गृह विभाग में मानवर सुनिए, 22,000 से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया गया है। हमारे जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है मानवर, उसके माध्यम से 2022 से पहले 3,867 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया मानवर, अभी 2022 से लेकर अब तक 9,681 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया मानवर, 2017 से लेकर अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में 48,776 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया मानवर, और ये तो आज तो राजनीति से भी ऊपर उठकर आज सभी माताओं बहनों को आज मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहिए, जो इतने दिन तक लालीपॉप इस देश के अंदर दिया जा रहा था, आज आपके आरक्षण की बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। और दूसरा, आपने कहा जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण में महिलाओं को कहाँ का स्थान है, तो हमारी सरकार मानवर सरकारी सेवाओं में 20% क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने की है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए ये सरकार ने व्यवस्था की है मानवर। अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने कहा इसका लाभ किसको मिलेगा, ये हमारे परिवहन मंत्री जी ने कहा कि हम मुफ्त शिक्षा, मुफ्त यात्रा हम कराएंगे, वो मानवर आ रहा है। और दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं, और मानवर, मैं तो माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूँ कि आप दलित परिवार से भी हैं और आपके पिताजी हम लोगों के मित्र रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि हमारी कोई दलित बहन अगर रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उद्योगपति बनना चाहती है, तो सरकार उसके मदद के लिए भी योजना लेकर आई है मानवर। और विशेष तौर पर मैं आपसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कितने बड़े पैमाने पर हमारी 8,37,104 बहनों को हम आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं मानवर। मनरेगा के माध्यम से जो हमारी गरीब माँ बहने हैं उनके माध्यम से मानवर हमने 1,85,049 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का हमने काम किया है मानवर। हमारी सरकार ने हमारी जो ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी सरकार ने मानवर 37 जनपदों में 3,196 महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करके 60,092 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जी। हो गया, नहीं आपका संरक्षण चाहिए। हाँ। इन्होंने दो सुनिश्चित प्रश्न किया था। वो पूछ लें। हाँ, पूछ लें, वही आपने जो पूछा आपको उत्तर मिल गया। नहीं अध्यक्ष जी, मुझे जो उम्मीद थी
उसी प्रकार से उत्तर आया है। पूरी हुई ना, आगे चलें। मैं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक सर्वप्रथम आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने कहा कि मैं पढ़ करके आती हूँ, और जब आप जवाब दे रहे थे तो आपने कहा कि समूह सखियों को और किस तरीके से सरकार काम कर रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कांग्रेस सरकार के समय से ये जो है वो लागू किया गया, और इसमें 75% जो है वो सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से बजट आता है, और रेस्ट जो होता है वो प्रदेश सरकार की तरफ से आता है। जबकि आपने इसकी बात की और मेरे जो सवाल थे उनके उत्तर भी स्पष्ट नहीं आए। मैं सिर्फ आपसे इसी पे बात करना चाहूंगी कि ये जो मिशन के अंतर्गत ये जो योजना है उसमें जियो के अकॉर्डिंग जो भी इसके अंतर्गत अधिकारी जनपद लेवल पे काम करते हैं उनका प्रति वर्ष 7% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। बाकी प्रदेशों में ये लागू भी कर दिया गया है, जैसे कि हमारे जो विसिनिटी में है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन हमारे यहाँ विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास, अधिकारियों की बात नहीं करिए, महिलाओं के रोजगार की बात करिए, उस विभाग के सारे अधिकारियों की बात नहीं करिए। इसकी बात हुई है क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन अधिकारियों की रोड पे कोई मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार सही में, अब वो सारे विभाग के कर्मचारियों की चिंता मत करिए, कर्मचारियों अधिकारियों को जियो के अनुसार से उनकी इंक्रीमेंट सैलरी की होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं कि आपने जो डेटा दिया वो सिर्फ और सिर्फ जो आप मेला लगा रहे हैं उसका डेटा दिया, तो उसमें भी आपका जो जवाब है वो किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं है और बड़ा ही आपकी उम्मीद को पूरा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद